हेलो दोस्तों, एजेंट रुचिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने काले और पिगमेंटेड होंठों को कैसे पिंक और सॉफ्ट बनाएं। दोस्तों, आज जो मैं रेमेडी को शेयर करूंगी, इसके सिर्फ 5 मिनट के इस्तेमाल से और वो भी सिर्फ 2-3 दिनों के इस्तेमाल में ही आप अपने काले और पिगमेंटेड होंठों को पिंक और सॉफ्ट बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। को बनाने के लिए दोस्तों हमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर को ले लेना है। अब हमें इसमें थोड़ी सी हनी को ऐड करना है। दोस्तों, अब हमें इसमें थोड़ी सी एलोवेरा जेल को ऐड करना है। दोस्तों, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, अब हमें इसमें लास्ट में 8 से 10 बूंद नींबू के रस को ऐड करना है। दोस्तों, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों दोस्तों हल्दी बहुत ही गुणकारी होता है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये जो हमारे होठों पर काली परत जम जाती है उसे दूर हटाता है, हमारे होठों को पिंक बनाता है और साथ ही हमारे होठों के स्किन को लाइटन करता है। आपको इस रेमेडी को अपने उंगलियों पर उठाना है और इस तरह से अपने होठों पर रब करना है। इस तरह से लिप्स पर रब करने से लिप्स के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं और हमारे लिप्स के जो डेड स्किन होते हैं वो पूरी तरह से निकल जाते हैं। आप जब इस रेमेडी को पहली बार ही इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने लिप्स में काफी फर्क दिखने लगेगा, और अगर आप इस रेमेडी को रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2 से 3 दिनों में ही आपको रूखे सूखे काले और पिगमेंटेड होठों से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा और आपके लिप्स बेबी सॉफ्ट, स्मूथ और पिंक हो जाएंगे। इस तरह से आप 2 से 3 मिनट तक अपने लिप्स पर रब कीजिए और रब करने के बाद 10 मिनट तक छोड़ दीजिए और 10 मिनट के बाद आप अपने लिप्स को नॉर्मल पानी से धो लीजिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।